मेरा नाम है सुधा और मैं आगरा में रहती हूँ। मेरी एक छोटी सी फैमिली है। मेरी इस छोटी सी फैमिली में मेरे साथ मेरी सास, ससुर और मेरे पति रहते हैं। एक दिन की बात है, मैं सुबह नाश्ते में सभी के लिए पोहा बनाने वाली थी, लेकिन पोहा खत्म हो चुका था। मैं सबके लिए सैंडविच बनाकर ले जाती हूँ और जाकर सबके साथ नाश्ता करने लगती हूँ। तभी नरेश, मेरे पति, पूछते हैं, क्या हुआ, पोहा नहीं बनाया? मैंने उनसे बोला, पोहा आया ही नहीं, मैंने कल ऑर्डर किया था। और फिर नाश्ता करने लगती हूँ, तभी किचन में कुकर की सीटी सुनाई देती है और खाना खाते खाते मैं किचन में चली जाती हूँ। किचन से वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती हूँ और कहती हूँ कि आलू पकने के लिए रखे थे, शाम को आलू की टिकिया बनाऊंगी। मेरी सासू माया सुनकर खुश हो जाती हैं। तभी नरेश जी बीच में बोल पड़ते हैं, ये अच्छा है, दोनों मजे करते हो, अपनी पसंद की चीजें बना बना कर खाते हो। तभी डोरबेल बजती है। मैं फिर से खाने की टेबल से उठकर दरवाजा खोलने चली जाती हूँ। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय पोहा लेकर आया होता है। पार्सल लेकर मैं फिर से डाइनिंग टेबल पर खाने बैठ जाती हूँ। तभी माँ नरेश जी से कहती हैं कि तू दरवाजा खोल देता, बेचारी को खाना खाते समय भी सुकून नहीं है। नरेश जी कहते हैं, सारी माँ, मैं नहीं उठ सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। और वो खाना खाकर ऑफिस की तैयारी करने के लिए रूम में चले जाते हैं। कुछ ही सेकंड के बाद वो मुझे आवाज़ लगाते हैं, सुधा, मेरी घड़ी कहाँ है, मिल नहीं रही है। मैं खाना खाते खाते ही उन्हें बताती हूँ, अलमारी के ड्रॉअर में देखो। फिर वो कहते हैं, नहीं मिल रही है। मैं फिर एक बार खाने के टेबल से उठकर उनकी तरफ जाने ही वाली होती हूँ कि सासू माँ मुझे रोक लेती हैं और पहले खाना खाने के लिए कहती हैं। सासू माँ कहती हैं, बच्चा नहीं है, झोड़ लेगा वाह, तो बैठकर खाना खाओ। थोड़ी देर के बाद रूम से नरेश जी की आवाज़ फिर से आती है, मिल गई। डाइनिंग टेबल पर दोनों सास बहू एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। अगले दिन सुबह सुबह नरेश बेडरूम में कोई फाइल ढूंढ रहे होते हैं और उस फाइल को ढूंढने के चक्कर में पूरा कमरा तहस नहस कर देते हैं और बड़बड़ाते रहते हैं। इस घर में कभी भी कोई भी चीज़ अपने ठिकाने पर नहीं मिलती। इन औरतों को भी कोई काम है नहीं, इसलिए हर चीज़ इधर की उधर करती रहती हैं। मैं चाय बनाकर और कमरे में जैसे ही घुसती हूँ, देखती हूँ कमरे का बहुत ही बुरा हाल रहता है। मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हैं। वो कहते हैं, वह फाइल कहाँ है जो मैंने तुम्हें परसों दी थी। मैं तुरंत वह फाइल निकाल कर उनके हाथों में थमा देती हूँ और उनसे कहती हूँ कि एक बार मुझसे पूछ लिया होता, पूरा कमरा फैला के रख दिया है आपने, फिर से समेटना पड़ेगा। उल्टा वो मुझे ही डांटने लगते हैं और कहते हैं, ठीक है, अगर पूरा कमरा फैला ही दिया है तो तुम इसे समेट लेना, करती ही क्या हो सारा टाइम, घर में बैठी ही तो रहती हो। कभी कभी लगता है मुझे हाउसवाइफ से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इतना बोलकर वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। मेरी और नरेश जी की यह बातचीत माँ भी सुन लेती हैं, जिसका हम दोनों को पता ही नहीं होता। जैसे ही मैं कमरे से बाहर आती हूँ, माँ मुझे तुरंत कहती हैं, नरेश को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाते बहू। अगले दिन सुबह सुबह जब वो नींद से जागते हैं तो मुझे चाय के लिए चिल्ला कर आवाज़ देते हैं, सुधा, कहाँ गई, चाय चाहिए। पास ही सोफे पर बैठी मेरी सासू माँ कहती हैं, सुधा नहीं है, वह अपने माँ के घर गई है, कोई ज़रूरी काम था। वो फ़ोन निकाल कर मुझे कॉल करने लगते हैं। तभी माँ उन्हें रोक देती है और कहती हैं, फ़ोन मत करना, माँ के घर ही तो गई है, आ जाएगी दो तीन दिन में। दो तीन दिन में क्यों? वो फ़ोन रख देते हैं और माँ से कह रहे होते हैं कि माँ चाय। तभी माँ बोल पड़ती, हाँ हाँ, दो कप बनाना, मैं भी पीऊँगी। वो बेमन से किचन की तरफ जाने लगते हैं चाय बनाने के लिए। तभी माँ कहती है, अरे बेटा रुको। उनको लगता है कि माँ उन्हें रोक कर चाय बनाने चली जाएंगी, लेकिन माँ कहती हैं, मेरी चाय में थोड़ी चीनी कम डालना बेटा। वो जैसे ही चाय बनाकर लाते हैं, माँ और बेटा दोनों चाय पी रहे होते हैं। तभी माँ बोलती है, अच्छी बनाई है, लेकिन नरेश जो चाय सुधा बनाती है उसमें तुलसी की कुछ पत्तियाँ डाल देती हैं, उससे उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। बेटा कोई नहीं, अगली बार जब तू चाय बनाएगा तो ध्यान रखना। वो माँ की तरफ देखते ही रह जाते हैं।
थोड़ी देर बाद वो माँ से कहते हैं, माँ आज खाने में मटर पनीर। माँ फिर से उनकी बात काटते हुए कहते हैं, अरे वाह, आज मेरा बेटा मुझे मटर पनीर बनाकर खिलाए, अच्छा है अच्छा है। काफी दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। वो कहते हैं कि अरे माँ, मैं तुम्हें मटर पनीर बनाने के लिए कह रहा हूँ। माँ कहती है, नहीं बेटा, मेरे घुटनों में तो बहुत दर्द रहता है, मैं इतने घंटों तक किचन में नहीं खड़ी रह सकती। वो जैसे ही अपना फोन निकाल कर रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने लगते हैं, तभी माँ उनसे कहती है, इस उम्र में मेरा पाचन अच्छा नहीं रहता है बेटा, मुझे गैस हो जाती है, और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाना चाहते हो, तो अपनी माँ से प्यार ही नहीं करता है। नरेश जी ना चाहते हुए भी घर का खाना बनाने के लिए किचन में चले जाते हैं। एक घंटे के बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है। नरेश दो थाली में खाना परोस कर माँ के पास ले आते हैं। माँ देखती है कि नरेश ने दाल रोटी बनाई है। माँ नरेश जी से कहती है, अरे बेटा, तू तो मटर पनीर बनाने वाला था ना। तभी नरेश जी कहते हैं, माँ यह आसान था बनाने के लिए। माँ कहती है, सुधा होती तो मुझे आज मटर पनीर बनाकर खिला ही देती। चलो कोई बात नहीं, मैं कहाँ हर दिन मटर पनीर खाती हूँ, आज भी दाल रोटी ही खा लूँगी, आप बैठ साथ में मिलकर खाते हैं। दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। नरेश जी जैसे ही पहला निवाला मुँह में रखते हैं कि माँ उनसे कहती है, अरे बेटा, दाल में नमक थोड़ा कम है, जाकर जरा नमक लेकर आ। नरेश जी खाते खाते उठते हैं और किचन से जाकर नमक लेकर माँ को देते हैं, फिर अपना खाना खाने बैठ जाते हैं। बीच में ही माँ खांसने लगती हैं और नरेश जी से कहती हैं, अरे बेटा, खाना गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लाकर देना। फिर से खाना खाते खाते वे उठते हैं और पानी लाकर माँ को देते हैं। इस सब से नरेश जी के मुँह पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। उनको अब महसूस भी हो रहा था कि जैसा बर्ताव वह मेरे साथ करते थे, उसे कितना बुरा लगता होगा। हालांकि सुधा के मुंह पर कभी मैंने सिकन नहीं देखी थी। माँ यही नहीं रुकती, खाना हो जाने पर माँ नरेश जी को थालियां धोने के लिए कहते हैं, फिर माँ अपने बेड पर आराम करने चली जाती है। तब नरेश जी को चादर उड़ाने के लिए कहती है। उसके बाद जब नरेश जी रूम से जाने लगते हैं, तभी उन्हें रोक कर एसी कम करने के लिए कहती है। इन सब कामों से वो परेशान हो जाते हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते। अगले दिन सवेरे सवेरे ही नरेश जी खाना बनाने के लिए सब्जियां काट रहे होते हैं, लेकिन उनका ध्यान सब्जियों पर नहीं होता, वह मेरे बारे में सोच ही रहे होते हैं और पछतावा कर रहे होते हैं कि मैं कितना गलत था कि हाउसवाइफ का काम आसान नहीं होता। तभी बेख्याली में उनकी उंगली कट जाती है और उससे खून बहने लगता है, और वहाँ बेसिन में अपनी उंगली धोने के लिए चले जाते हैं। मैं यह देखकर उनके पास दौड़ जाती हूँ और जाकर हाथों में पट्टी बांधने लगती हूँ। तभी माँ आ जाती हैं और कहती हैं, कभी माँ के घर गई ही नहीं थी या तो सास बहू के प्लान का एक हिस्सा था, ये तुमसे छुपकर इसी घर में रह रही थी। नरेश जी मुझे देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, घर का काम हम दोनों मिलकर करेंगे। मैं पूछती हूँ, ऐसा क्यों? नरेश जी कहते हैं, मैं घर का काम सीख जाऊंगा, और घर अगर हम दोनों का है तो घर का काम भी हम दोनों एक साथ ही करेंगे। सास बहू दोनों जोर का ठहाका लगाते हैं और माँ सिखाती अपने बेटे को एक अच्छा सा सबक।